हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मौसम परिवर्तन के साथ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में तेज अंधड़ और बिन मौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है और कई क्षेत्रों के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं प्रदेश के पटवारियों के हड़ताल पर जाने से भी किसानों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। पूरे मामले को लेकर भाजपाइयों ने शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर धूल भरी आंधी, बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान का वाजिब मुआवजा दिलवाने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल एवं भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी ने बताया कि धूल भरी आंधी, बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि के कहर से जिले के कई गांव में किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई क्षेत्रों में तेज तरार धूल भरी आंधी से किसानों की फसलें चौपट हो गई, वहीं कई क्षेत्र में बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में पानी जमा हो गया, जिससे जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपाइयों का आरोप है कि पटवारियों के हड़ताल पर जाने से फसल खराबे की गिरदावरी और आंकलन ना होने से किसानों को वाजिब मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं है। ज्ञापन में भाजपाइयों ने बताया कि प्रदेश के पटवारियों के हड़ताल पर जाने से जिले के किसानों के फसल खराबे की गिरदावरी और आंकलन के लिए किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं फसल खराबे की गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च तक होनी थी। भाजपाइयों ने मांग की है कि सरकार फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर किसानों को वाजिब मुआवजा दिलवाए। भाजपा का आरोप है कि जिले के किसानों द्वारा बीमा कंपनियों में भारी भरकम प्रीमियम जमा करवाया गया है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते फसल खराबे से आहत किसानों के खेतों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है, जिससे जिले के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ज्ञापन के दौरान भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी, लक्ष्मण बडेरा, खीम सिंह चौहान, रमेश सिंह इंदा, अनीता चौहान समेत भाजपाई मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास